नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार द्वारा नाम वापस नहीं लिए जाने के बाद अब कुल 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था और किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि अब जो उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जुबा मांझी, बहुजन समाज पार्टी के परदेसी लाल मुंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के कृष्णा मार्डी, झारखंड पार्टी के चित्रसेन सिंकू, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की पानमनी सिंह, राइट टू रिकॉल पार्टी के बीर सिंह देवगम, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के विश्व विजय मार्डी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सुधारानी बेसरा के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी आशा कुमारी रुंडा, दामोदर सिंह हासदा, दुर्गा लाल मुर्मू, माधव चंद्र कुंकल और संग्राम मार्डी शामिल हैं। जो रखी गई है उसका मुख्य विषय है कि नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का नामांकन स्वीकार किया गया आज 29 तारीख को 3 बजे तक अपना अभ्यर्थिता वापस लेने का समय था और उसके पश्चात जो फाइनल कैंडिडेट्स निकल के आए हैं उसकी सूची आप लोगों के साथ साझा करनी है। तो निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पर टोटल 14 अभ्यर्थी थे जिनका नामांकन स्वीकार हुआ। आज शाम 3 बजे तक किन्हीं के भी द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने का कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया अर्थात नामांकन वापस लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 0 है। तो 14 अभ्यर्थी हैं जिनका निर्वाचन लड़ने के लिए नाम अभी स्वीकृत है। हम क्रमवार सभी का नाम और उनका संबद्ध दल आपको बता देते हैं। गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा, परदेशी लाल मुंडा बहुजन समाज पार्टी, कृष्णा मार्डी झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्रैकेट उलगुलान, चित्रसेन सिंकू झारखंड पार्टी, पानमनी सिंह सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, वीर सिंह देवगम राइट टू रिकॉल पार्टी, विश्व विजय मार्डी अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, सुधा रानी बेसरा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, आशा कुमारी रुंडा स्वतंत्र अभ्यर्थी, दामोदर सिंह हंसदा स्वतंत्र अभ्यर्थी, दुर्गालाल मुर्मू स्वतंत्र अभ्यर्थी, माधव चंद्र कुंकल स्वतंत्र अभ्यर्थी, संग्राम मार्डी स्वतंत्र अभ्यर्थी। तो ये कुल 14 कैंडिडेट हैं जो कि अभी फाइनल हुए हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है। आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग टेकासाई चाईबासा। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी जुबा मांझी ने सोमवार को जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री और संगठन की ओर से जगन्नाथपुर विधानसभा के प्रभारी दीपक बिरवा भी उनके साथ थे। झामुमो प्रत्याशी जुबा मांझी ने मंत्री दीपक बिरवा, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा के साथ जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ानंदा, पोखरपी, पोटोबेड़ा, जेटिया, जगासाई आदि गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपनी जीत के लिए वोट मांगा। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जल जंगल और जमीन को बचाए रखना है तो जुबा मांझी को जिताना जरूरी है। एक तरफ आंदोलनकारी परिवार से जुड़ी और
जल जंगल और जमीन को बचाने में संघर्षरत जोबा मांझी और दूसरी तरफ 4,000 करोड़ के घोटाले में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जैसे धोखेबाज के बीच चुनावी मुकाबला है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि किसे चुनना है। मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि भाजपा यहां के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रही है। देश का संविधान खतरे में है। भाजपा की सरकार देश की संविधान को बदलना चाहती है। अगर संविधान बदला तो यहां के आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार और अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इंडी गठबंधन भाजपा के साजिश को नाकाम कर देगी। वहीं झामुमो देश के संविधान एवं अपने हक अधिकार और अस्तित्व को बचाने में जुटी हुई है। जो मामा जी परिचय दो इनका जी मबू है। जल जंगल जमीन रिया जो नारा लगाओ लेना। जल जंगल जमीन यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का अधिकार बरकरार रहेगा। मंत्री आज लड़ाई की शुरू ना स्वर्गीय शहीद देवेंद्र माजिद की इना किंग एयर पार्किंग बढ़ा के ना जो गुरु बिर मिना हुआ गुरु जो पर मिना हुआ वनाधिकार पट्टा बुना मेतना व्यक्तिगत पट्टा बुना मेतना सामुदायिक पट्टा बुना मेतना इना रिया योगदान रखो इतना दिसम गुरु शिवू सोरेन और शहीद देवेंद्र माजी योगदान करना इना के मनोहरपुर विधानसभा ते 5 बार ते विधेयक तय किए थे। इन मामला जल जंगल जमीन पर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का कब्जा बरकरार रखे उसका अधिकार सुरक्षित रहे इना लगे लड़ाई तीन नहीं अड़ा दूसरी तरफ दो एक तो गीता कोड़ा और माधु कोड़ा यही शिवू सोरेन तय किना जब 2005 रहना काजीगिरा स्थिति इनका हुआ है ना कि अबू ओलान रन हो माधुकुड़ा निर्दलीय उम्मीदवार बने नी मुख्यमंत्री वो भाई है जब शिवू सोरेन काजीगिरा अंजिला अध्यक्ष चाहिए कि ना एंत बताई देना कि निश्चित नी मुख्यमंत्री वो भाई है कोल्हान का कल्याण होगा मुख्यमंत्री भाई की है माधुकुड़ा 2 साल तक मुख्यमंत्री टेकना मैं आया ऊपर इन गंभीर आरोप लगा देना 4,000 करोड़ थे पूर्व रिया माइनिंग घोटाला रिया मामला हो जो इन्हें तो माधुकुड़ा जेल है एक तरफ होते ऐसा धीरे धीरे अबू बचाओ होते लगे लड़ाई लड़ाई थी ना एक तरफ जो है ना कोई मुख्यमंत्री भाई के थे 4,000 करोड़ रिया घोटाला रिया मामला चलाओ अंडो ना ने नोरा ले उजूर ना देखिए सांसद मुख भाई थे ये गीते कोड़ा एमएलए और टाइक ना एन आर ते मधु कोड़ा मुख्यमंत्री और टाइक ना सांसद और टाइक ना मंत्री और टाइक ना ते ना नेपाल परम तंदो हो रहा तो निमिन बनी तो काटने लो तो नेपाल को युद्ध ना जेटिया ते नेपाल को सिमो तो ना चिमिन दिने ते हो रहा तो खराब करना ना था पांच साल तक पूरे हो गए तो काजी दिया मतलब जो कम से कम हो रहा तो सही सलामत तय होते हैं दौड़कर हासु दुख तन रहे जाना तकलीफ होता है ना तो हॉस्पिटल और जापार तो बनो जगन्नाथपुरम सिनेमा चाहे बसम सिनेमा नॉमिनिंग सिनेमा ने कम सिनेमा दिए इन तो नहीं ना को दो ना जनप्रतिनिधि को आदो पाला प्रतिनिधि हो रहा कम से कम लोग ठीक तय होते हैं दौड़कर नहीं मुंडा साहब किशोर की कजीतन टाइक ना कि निना का जो काले समस्या तो मिना गया मैं तो आले सरासर जरूर लेते गई हूँ मैंने कहना कि कजीतन टाइक ना इंते आले इना अरदास तले हो जूतना समय कोम के मिना एक तरफ जो है ना घोटाला बाज को मिना को आनो कापाई टिको पिछले बारो संसद को बैले दूसरी तरफ तो होतिया सा दिन दरु को रखतिया अब कब जो बरकरार टाइयो कहना लड़ाई लड़ाई तन को मिना अंडो झारखंड देश में अलग तन रहे अब ऐसो परंग योगदान टाइक ना सभी को अदाना इन दो नीन चीज को हमेशा किन किन विरोध है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने ग्रामीणों से अपील किया कि केंद्र की तानाशाह सरकार को रोकने और आदिवासियों मूलवासियों के हक अधिकार और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्हें जिताए। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में बंद कर रखा है। इसका जवाब जनता को अपने मताधिकार से देना है। मान और सम्मान बचाए क्या मिना और झारखंड सरकार 2019 रे भाई जना आबुआ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ना नेतृत्व रे और अकीना सरकार कार्यकाल रे इस पूरे इनका इनका ना कि पार्टी कड़ा पूरे हिंदुस्तान रे हो इनका ना मुख्यमंत्री को आको राज्य लगी राज जनता लगी आको हित रखा को पार्टी और इना को लेल कहते भारत सरकार इशारा ते आकुआ षड्यंत्र ते आकुआ नन्ना विरोधी ते चिलका बोमेनिया षड्यंत्र कहते तनासही ते
अब वह लोकप्रिय विद्या मंत्री मुख्यमंत्री किसिंग जेल रखो आदर रखना उनको किसिंग अब उड़ा मिना अब लगते ने जेल रे मिने अब ओतविति लगते अब सामाजिक सांस्कृतिक लगते अब मुंडा मन की व्यवस्था लगते अब राज लगते किसिंग अब जिम्मेदारी बहुतना अकीना मान सम्मान लगते अब मान सम्मान लगते 13 मई रे अब अपना अपना बूथ मिना एंता रे जाचिबिन के आबुरी नोना का को मिना पिया साबेर सा आ सर छपारे बोट बोई में आ 13वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए मैच में संत विवेका इंग्लिश स्कूल चैबासा ने मधुसूदन पब्लिक स्कूल आसनतलिया को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मधुसूदन पब्लिक स्कूल की पूरी टीम 16 ओवर 3 गेंद में मात्र 58 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी संत विवेका की टीम ने 10 ओवर में 61 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। पुरस्कार वितरण समारोह में संत विवेका इंग्लिश स्कूल की ओर से शानदार गेंदबाजी कर 4 महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले प्रिंस कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले चैबासा के अमन अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चैबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जुबा मांझी के समर्थन में विभिन्न संगठनों के जुड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। इंडी गठबंधन को इससे जुड़े दलों के साथ साथ आम लोगों का भी अपार समर्थन मिल रहा है। चैबासा सदर प्रखंड के सोनापोसी गांव में ग्रामीण मुंडा राम बिरोली के अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल रहे। बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी को जिताने की हुंकार भरी। बैठक में मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारियों ने प्रत्याशी जुबा मांझी का समर्थन करते हुए कहा कि जुबा मांझी एक आंदोलनकारी परिवार से हैं, पति के शहीद होने के बाद जल जंगल जमीन की रक्षा करने का काम कर रही हैं, इसलिए जुबा मांझी को जिताना जरूरी है। मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए जुबा मांझी को भारी मतों से जिताने की अपील की। बैठक में मानकी मुंडा संघ के महासचिव चंदन होनहागा, महासचिव रामेश्वर सिंह कुंटिया मुंडा, विशाल सिंह कुंटिया मोरन तामसोई के अलावे काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू के कारण 30 अप्रैल से कक्षा KG से कक्षा 8 तक अगले आदेश तक स्कूलों को स्थगित कर दिया है, जबकि कक्षा 9 से
ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक जारी रहेगा। यह आदेश सभी कोटि के विद्यालय के लिए जारी किया गया है। सिर्फ आवासीय विद्यालय को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा आ रहे हैं। यहाँ टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के लोकसभा केंद्रीय कार्यालय में लोकसभा कोर कमेटी, लोकसभा संचालन एवं प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा प्रभारी डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने बताया कि आगामी 3 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे टाटा कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा की जीत का शंखनाद करने आएंगे। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।